दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप अगली वीडियो बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रेलवे OHE में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सेक्शन इंसुलेटर असेंबली को इरेक्शन करेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर दोस्तों आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने सेक्शन इंसुलेटर असेंबली को असेंबल किया हुआ है वो स्टेप बाय स्टेप, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। चलिए ये वीडियो देखते हैं। इसमें टावर वैगन का पेंटोग्राफ टच करके हम ये देख रहे हैं कि हमें कहाँ पर स्ट्रैगर जीरो मिल रहा है। एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो हमारी दूसरी साइड में जो क्रॉस ओवर पर जो दूसरी लाइन होती है उससे मिनिमम दूरी होनी चाहिए 1.65 मीटर। यहाँ पे इसको प्लम कर रहे हैं जो हमने मार्क लगाया है कॉन्टैक्ट वायर पे जीरो स्ट्रैगर के लिए, वो हमें जीरो स्ट्रैगर कैटेगरी का भी मिले तो इसके लिए इसको प्लम कर रहे हैं। इसको प्लम करके इस पे निशान लगाएंगे। ये ऑटो क्लैंप लगा दी है कैटेनरी वायर में। इस साइड भी ऑटो क्लैंप लगा दी है। इसको ये स्लिप में ऑटो क्लैंप स्लिप ना हो इसके लिए हमने वहां पे एक पीजी लगा दी है 10/41-1 की, ताकि ये स्लिप ना हो ऑटो क्लैंप जब हम लोड लेंगे। तो ये 1.5 टन की प्लिफ के साथ सीलिंग लगा के और दूसरी साइड भी जो ऑटो क्लैंप लगाई है उसमें इसको डाल के तब हम लोड लेंगे। यहाँ पे अब लोड ले रहे हैं, ये 1.5 टन की पुलिफ्ट है। जब ये लोड पे पूरे आ जाएगी और कैटनरी वायर हमारी लोड से फ्री हो जाएगी तब उस पे जो हमने प्लम करके जो सेंटर लगाया था वहाँ पे उसको सेंटर मानते हुए 32 सेंटीमीटर एक साइड, 32 सेंटीमीटर दूसरी साइड लगा के टोटल 64 mm का हम पीस काट लेंगे 9-10 इंसुलेटर डालने के लिए। नहीं, कुछ नहीं किया, सब आ जाएगा। ये कैटनरी वायर भागे नहीं, मतलब पीस उसके जो स्टैंड होती है जो उसके तार होते हैं वो इधर उधर ना भागे, इसलिए उसमें वायर बांध लिए ताकि उसका मुंह खुले ना। ये कटिंग हो रही है कैटनरी वायर की। इंसुलेटर लगाने के लिए हमें दोनों तरफ कैटनरी एंडिंग कोन लगाना पड़ेगा जिसका RI कोड है 1120। कैटनरी वायर एंडिंग कोन लगा रहे हैं।
लेने अंदर हटा ले वायर एक बार। मुंह खोल ले। ये इसका जो जीबी होती है वो लगा दी है। एंडिंग कॉन प्रोसेस हो गई है। इसमें 9-10 इंसुलेटर लगा के दोनों साइड। इसके बाद ये 9-10 इंसुलेटर हमारा लग चुका है। अब हम इसको लोड से फ्री कर देंगे। तो हमारी कैटनरी वायर के लिए जो भी प्रोसेस होनी थी वो हमारी ख़त्म हो चुकी है। अब इसको लोड से फ्री कर देंगे। इसके दोनों साइड कैटनरी एंडिंग क्लैंप लगे हुए हैं। ये हमारा सेक्शन इंसुलेटर असेंबली। ये कैटनरी का काम पूरा हो चुका है, इसलिए जो हमने जुगाड़ बनाया था ऑटो क्लैंप को हम रिमूव कर रहे हैं यहाँ से। ये जो हमने एडजस्टेड ड्रॉपर लगाए थे क्रॉस बीम को एडजस्ट करने के लिए, उनको पहले हल्का सा टाइट कर देंगे ऊपर कैटनरी वायर में। ये जो फ्रंट ग्रिप होती है पहले इसको लगाएंगे हम। इसमें कॉन्टैक्ट वायर लगेगी फ्रंट ग्रिप में। ये फ्रंट ग्रिप को सेट कर रहे हैं। जो इसके ग्रूव होते हैं वो अच्छे से कॉन्टैक्ट वायर में फंस जाने चाहिए। इसको फुल टाइट करके इसमें रनर लगाएंगे। ये अब हम इसमें जो फ्रंट ग्रिप होती है उसमें रनर लगा रहे हैं। ये हमारी फ्रंट ग्रिप जो है वो इरेक्शन हो चुकी है अच्छे से। फ्रंट ग्रिप
इसके बाद जो हमारी ट्रेलिंग ग्रिप होती है उसको लगाएंगे, और सेक्शन जो इंसुलेटर होता है उसको लगाएंगे क्रॉस बीम में और ट्रेलिंग ग्रिप में। इसको भी अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। इसमें एक साइड इंसुलेटर लगा दिया है हमने क्रॉस बीम में, और एक साइड लगाया है ट्रेलिंग ग्रिप होती है उसमें। इसको फुल टाइट करके ये हमारी डबल स्ट्रैप लगी हुई है, सेक्शन इंसुलेटर डबल स्ट्रैप। इनका RI कोड है 6181। ये फुल टाइट करके ध्यान रखिए, इतना भी टाइट ना करें जो हमारा कॉन्टैक्ट वायर का ग्रू है वो फट जाए और कॉन्टैक्ट वायर डैमेज हो जाए उससे। इसमें ये ऊपर दो स्लिट हो रहे हैं ताकि हमारा जो ये सेक्शन इंसुलेटर है वो हमारा सेंटर में रहे, एक तरफ ना भागे। हम दोनों तरफ इसमें ये लगा देंगे। ये कॉन्टैक्ट वायर के बने हुए हैं, जैसे हमारा स्क्रू ड्राइवर होता है वैसे, दोनों साइड एक। इसके बाद हम इनको सेक्शन को एडजस्ट करते हैं, हमें कितना ऊपर चाहिए कितना हमें नीचे चाहिए। हमारा सेक्शन इंसुलेटर है वो अब दोनों तरफ से सेंटर में है। अब इसके ऊपर वाले बोल्ट को टाइट करके ये क्रॉस बीम को एडजस्ट करने के लिए हमें ड्रॉपर को एडजस्ट करना होगा।
अब ये हमारा सेक्शन अभी लग चुका है, कॉन्टैक्ट वायर को हम जो बीच में कॉन्टैक्ट वायर है हमारा उस पीस को कटिंग कर देंगे, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ से भी काट दिया। ये हमारा क्रॉस बीम को एडजस्ट कर रहे हैं, स्प्लिट लेवल हमने उसके ऊपर रख लिया है। तो इसके ड्रॉपर की सहायता से इसको एडजस्ट करेंगे, जब हमारा स्प्लिट लेवल में जो वाटर के अंदर जो बबल होता है वो हमारा सेंटर में रहना चाहिए, जो भी उसका पैरामीटर दिया हुआ है। ये अब आगे से इसको देख रहे हैं चेक करके, ताकि एक स्मूथ रन हमारा पेंटोग्राफ को प्रोवाइड करें। इसे हम DFB स्टडी आर्म लगा के देख रहे हैं, ताकि जो हमारा ये पेंटो को हिट ना करे, स्मूथली इससे ऊपर से रन करे पेंटोग्राफ। ये ऊपर और नीचे वाला जो बोल्ट होता है उनसे इसको एडजस्ट करेंगे। ये सेक्शन इंसुलेटर का जो हमने इरेक्शन किया है इसमें हमारा ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन जब इसकी हम सेटिंग करते हैं इसको एक लेवल में करते हैं, ताकि हमारा ये जो पेंटोग्राफ है वो स्मूथ आए बिल्कुल, ज़्यादा पेंटोग्राफ हिट ना करे, तो इसकी इसमें इसकी एडजस्टमेंट में टाइम लगता है। वो आप देख रहे हो कितना टाइम इसमें लग रहा है हमें एडजस्ट करने में, बार बार से इस पे DFB स्टडी आर्म इस पे घुमाई जा रही है देखने के लिए कि पेंटो हीट तो नहीं करेगा। हम इस पर एक बार जो हमारी फेसिंग ग्रिप है उसको एडजस्ट करके चेक कर रहे हैं कि हमारा पेंटो अभी हिट करेगा या नहीं करेगा, या स्मूथली रन करेगा या नहीं करेगा। अभी हमारे रनर्स हैं, रनर
उनको एडजस्ट करना बाकी है। आप देख रहे होंगे वो बिल्कुल ऊपर से निकल के आ रहे हैं, उन पे पेंटोग्राफ बहुत लेट टच हो रहा है। इसमें पेंटोग्राफ लगा के अभी चेक कर रहे हैं कि हमारा कितना ऊपर होना है कितना नीचे होना है। जो फेसिंग ग्रिप है उसको चेक कर रहे हैं ताकि वो पेंटो को एक स्मूथ रन प्रोवाइड कराए। ये इस पे भी स्प्लिट लेवल रख के देख रहे हैं। रनर को चेक किया जा रहा है कि हमारे रनर कोई ऊपर है या नीचे है। ये जो हमारे रनर को सेट करने के लिए जो क्रॉस बीम में जो दो बोल्ट दिए हुए हैं, दोनों साइड दो दो बोल्ट होते हैं, जब हम रनर को इधर ऊपर या नीचे करते हैं तो इनका इनकी हेल्प लेते हैं। अगर हमारा रनर कोई नीचे जाना है तो इनको टाइट कर देते हैं, अगर हमारा रनर थोड़ा सा हल्का सा ऊपर होता है इनको लूज कर देते हैं। इससे हमारे रनर होते हैं, जो ये दो रनर हैं ये एडजस्ट होते हैं। ये अभी एक बार फिर से करके देखेंगे। ये हमारा अभी भी एक साइड का जो रनर है वो थोड़ा है, एक तरफ भाग रहा है। बार बार टावर वैगन को पेंटो टच करके कभी एक साइड कभी दूसरी साइड आगे पीछे करके देख रहे हैं। तो ऐसे करते करते दोस्तों हमारा सेक्शन इंसुलेटर जो असेंबली थी वो एडजस्ट हो गया और हमने उसको अच्छे से इरेक्शन कर दिया। इसको स्पीड में भी ट्राई किया गया। इसको करते करते थोड़े से अंधेरा हो गया था जिसकी वजह से मैं शूट नहीं कर पाया, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो करना लाइक और हर जगह पे इसको शेयर कर दो ताकि बहुत सारे लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना ताकि आप अगली वीडियो बिल्कुल भी मिस ना कर पाओ। धन्यवाद।